नमस्कार दोस्तों, जब भी कोई अपराध होता है तो व्यक्ति सीधे पुलिस थाने की ओर जाता है और पुलिस थाने में इसीलिए जाता है कि उस अपराध के बारे में जानकारी दे सके, उसकी रिपोर्ट दर्ज करा सके और जो अपराधी है उस अपराधी को दंड मिल सके। तो यही प्रक्रिया हमारे देश में FIR कहलाती है, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यदि कोई व्यक्ति जिसे भी अपराध की जानकारी होती है वो व्यक्ति संबंधित पुलिस थाने पे यानी जो भी घटना स्थल है उस घटना स्थल पर जाकर पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है। और यदि अपराध गंभीर है, संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध हम लोगों ने CRPC की धारा 2C में पढ़ा है। संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। यदि ऐसे अपराधों की श्रेणी में यदि वो अपराध आता है तो पुलिस FIR दर्ज करती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद पुलिस चालान प्रस्तुत करती है। ये एक प्रक्रिया CRPC में बताई गई है। लेकिन कई बार पुलिस ये देखा गया है कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में CRPC में एक अलग वैकल्पिक उपचार भी दिया गया है, उसका नाम है परिवाद, जिसे हम कंप्लेंट भी कहते हैं, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं FIR और परिवाद में क्या अंतर होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, LLB BLLB की परीक्षाओं में तो आता ही है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लाइक सिविल जज या जुडिशरी के पेपर्स में भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और वैसे भी यह हर नागरिक को यह जानना चाहिए कि परिवाद और FIR होता क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन FIR एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट। तो कंप्लेंट और FIR क्या होता है। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल लॉइजी में एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर पुलिस FIR एवं परिवाद में अंतर। तो आज हम लोग कवर करेंगे प्रथम सूचना रिपोर्ट और परिवाद में क्या अंतर होता है। हम सभी को पता है कि व्हेनेवर एनी ऑफेंस इज कमिटेड, यदि कोई भी अपराध होता है वो अपराध भले संपत्ति के विरुद्ध हो, चोरी लूट डकैती, या शरीर के विरुद्ध हो जिसमें चोट हो जाना, हत्या का प्रयास होना, हत्या होना, ऐसा कोई भी अपराध होता है तो उस अपराध की जानकारी पुलिस को दी जाती है। और कानून में क्या उपचार दिया गया है, हमारे देश में जो दंड प्रक्रिया संहिता है यानी CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें उपचार देने के रास्ते बताए गए हैं कि कानूनी उपचार क्या होगा। तो कानूनी उपचार दो होते हैं, इन्हें अपराध यदि होता है तो उसका कानूनी उपचार ये है कि ऐसे व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसे क्या दिया जाए, दंड दिया जाए। लेकिन ये दंड मनमाना नहीं होगा, सुनवाई के पश्चात होगा, यानी उसको दंड देने के पहले उसकी क्या होगी, सुनवाई होगी। और सुनवाई करने के पहले सबसे पहले क्या होता है, मामला दर्ज होता है, मतलब जो प्रकरण है, जो केस है, उसको दर्ज करना पड़ेगा क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर नंबर होगा और उस पर्टिकुलर नंबर की सुनवाई होगी न्यायालय में। यदि हम थाने में देखें तो अपराध क्रमांक के नाम से ये पर्टिकुलर नंबर होता है, अपराध क्रमांक ऑब्लिक जो ईयर है, मतलब जैसे मान लीजिए 2022 का कोई अपराध है तो अपराध क्रमांक 74/74 नंबर पे दर्ज हुआ है थाने में /2022। और यही अपराध जब पुलिस चालान पेश कर देती है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तो न्यायालय में भी इसका एक पर्टिकुलर फौजदारी प्रकरण क्रमांक बनता है, जिसे हम फौजदारी प्रकरण क्रमांक या क्रिमिनल केस नंबर कहते हैं। तो मामला दर्ज होता है, मामला दर्ज होने के बाद पुलिस गिरफ्तार करती है, यानी उस जो संदेहास्पद लोग हैं या जिनका नामजद FIR है तो नामजद लोगों को, नेम्ड FIR है तो, या जिस व्यक्ति के ऊपर सस्पेक्शन है, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे पुलिस गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने का उद्देश्य होता है उसे विचारण में प्रस्तुत करना, विचारण मतलब कोर्ट में एक ट्रायल चलती है जिसको हम सुनवाई कहते हैं। ट्रायल का मतलब होता है साक्ष्यों की सुनवाई, मतलब जो गवाह हैं पुलिस के, गवाहों को न्यायालय में पेश किया जाता है, फिर डिफेंस लॉयर उसको क्रॉस एग्जामिन करता है, इसी को विचारण कहा जाता है। तो विचारण में जब साक्ष्य पूरे हो जाते हैं तब साक्ष्य होने के बाद न्यायालय उसमें निर्णय देती है, नॉर्मल एक प्रोसीजर बताई गई है। तो मामला दर्ज दो तरीके से होता है, एक मामला दर्ज होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट से, जिसे हम FIR कहेंगे, जो आज का विषय है, और दूसरी तरीके से मामला दर्ज होता है मजिस्ट्रेट को परिवाद, FIR एंड कंप्लेंट। ये FIR जो है धारा 154 में डिफाइन की गई है, लेकिन इसके बारे में पूरी प्रक्रिया, इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो दंड प्रक्रिया संहिता के चैप्टर नंबर 12 में, यानी अध्याय 12 में 154 से 176 तक पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन और प्रक्रिया बताई गई है। और FIR की परिभाषा 154 में FIR दी गई है। यदि हम मजिस्ट्रेट को परिवाद देखें तो ये चैप्टर नंबर 15 में, यानी CRPC का अध्याय 15, 200 से 203, ये चार धाराएं जो हैं, ये चार धाराओं में परिवाद बताया गया है, परिवाद मींस कंप्लेंट बताई गई है। अब दोनों में क्या अंतर है, आइए इसको समझते हैं। हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। एक का मतलब, दोनों का मतलब है, एक तो मामला पंजीबद्ध करना, मामला पंजीबद्ध करने के बाद अपराधी के खिलाफ पूरी विचारण करना और विचारण के बाद निर्णय देना, यानी दंड देना, यदि अगर उसने अपराध किया तो उसे दंड देना। तो दोनों का उद्देश्य एक है, लेकिन CRPC में लीगल प्रोसीजर दोनों की डिफरेंट हो जाती है।
परिवार के मामलों की प्रक्रिया अलग ढंग से चलती है, पुलिस द्वारा प्रस्तुत चालान की प्रक्रिया अलग ढंग से चलती है, तो दोनों की लीगल प्रोसीजर अलग होती है, दोनों में एविडेंस की जो प्रक्रिया है, जो विचारण और एविडेंस लेने की जो प्रक्रिया है, वो दोनों अलग होती है। और यही इसी बात के लिए हमको ये समझना होगा दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आइए उन डिफरेंसेस को कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, FIR हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है। तो सबसे पहले धारा 154 में यही लिखा हुआ है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर दी कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी गंभीर किस्म के अपराध होंगे जिसमें पुलिस संज्ञान लेगी और पुलिस उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध करेगी, यानी गंभीर किस्म के जो अपराध वो होते हैं, यानी संज्ञेय अपराध जो धारा 2C में बताए गए हैं, ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज होती है। लेकिन कंप्लेंट की जहां हम बात करते हैं, तो कंप्लेंट जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, यानी गंभीर किस्म का अपराध हो या साधारण किस्म का अपराध हो जिसमें पुलिस के पास ज्यादा पावर नहीं है, उसमें भी मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं। तो कंप्लेंट दोनों अपराधों में दर्ज होती है। इसका अर्थ जो है धारा 154 में बताया गया, धारा 154 में पुलिस के सामने अपराध के बारे में कथन करना, चाहे अपराध के बारे में कथन करना यानी पुलिस को अपराध की जानकारी देना, इसीलिए इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है धारा 154 में। और ये सेक्शन 2D में डिफाइन की गई है, जो शुरू शुरू में CRPC में जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसके सेक्शन 2D में परिवाद को डिफाइन किया हुआ है। FIR पुलिस के समक्ष होगी, हम सभी को पता है FIR जो होती है वो पुलिस के सामने होती है, लेकिन परिवाद जो होगा वो मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है। इसमें पुलिस की अथॉरिटीज ज्यादा होती है, FIR में पुलिस का प्राधिकार अधिक होता है। पुलिस के पास क्या प्राधिकार है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है, पुलिस पूछताछ कर सकती है। और यहां पर पुलिस का प्राधिकार कम होता है जब तक मजिस्ट्रेट आदेश न करे, यानी जब तक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश नहीं किया जाएगा तब तक पुलिस हरकत में नहीं आती है, यानी तब तक पुलिस निष्क्रिय रहती है। इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें तो पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके FIR में पूरी चालान प्रस्तुत करेगी न्यायालय में। यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर तक रुकती है, मजिस्ट्रेट का जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। उसके उपरांत यहाँ पर कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है 154 जो होता है, चूंकि ये राज्य का भी विषय होता है तो प्रत्येक राज्य सरकार FIR का एक फॉर्मेट बनाती है। जरूरी नहीं कि हर राज्य में एक जैसा FIR का फॉर्मेट हो, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश में FIR का फॉर्मेट अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। तो इस प्रकार से इसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, 154 का एक फॉर्मेट होता है, लेकिन परिवाद में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं बताया गया है, यानी इस प्रकार का कोई प्रारूप नहीं है। और यहाँ लास्ट हम देखें तो इन्फॉर्मेंट एनी पर्सन, FIR दर्ज कराने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मान लीजिए अज्ञात लाश मिलती है, उस लाश को कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा है, तो खुद पुलिस जो है वो संबंधित थाने का जो पुलिस कर्मी होगा वो व्यक्ति भी इन्फॉर्मेंट हो सकता है। यानी यहां पर इन्फॉर्मेंट यानी फरियादी जो है कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एनी पर्सन कैन गिव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस, यहां पर सिर्फ अपराध होने की जानकारी दी जाती है, लेकिन यहां परिवादी जो है ये कंप्लेनेंट वो होता है जो एग्रीव्ड हो, मतलब जो एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड का मतलब वह व्यक्ति है जो मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हुआ है और वो कथन करता है कि मेरे साथ अपराध हुआ है, चाहे अपराधी ज्ञात हो या अज्ञात हो। सपोज एक व्यक्ति की गाड़ी चोरी हो गई, अब उसने कोई चोर को देखा नहीं किसने गाड़ी चोरी की है, लेकिन ऐसा व्यक्ति परिवार पेश कर सकता है, वो बता सकता है न्यायालय के सामने जाकर कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है, कृपया पुलिस के पास गया हूं तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है, कृपया मेरा परिवार दाखिल किया जाए। तो यहां पर परिवादी वो व्यक्ति होता है जो एग्रीव्ड है, मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है। तो ये है मित्रों डिफरेंस बिटवीन पुलिस FIR एंड परिवाद। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।